मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंगरौली के समग्र विकास के लिए प्रारंभ कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। इसे आदर्श स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा। यहां हवाई पट्टी सिर्फ एक हवाई पट्टी ना होकर प्रगति की नई और महत्वपूर्ण शुरुआत है। इस हवाई पट्टी को सुविधा युक्त हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि इसका पूरा लाभ क्षेत्र को प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने भोपाल से रिमोट के जरिए सिंगरौली एयर स्ट्रिप का वर्चुअल भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट द्वारा सिंगरौली एयर स्ट्रिप का वर्चुअल भूमि पूजन करते हुए कहा कि सिंगरौली हवाई पट्टी सिंगरौली क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। राज्य शासन ने 80 हेक्टेयर भूमि सिंगरौली हवाई पट्टी के लिए आवंटित की है। यह कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो और इसे हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाए ताकि देश के अन्य नगरों से भी इसे जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठकर जा सकता है। मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लोगों को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिल सकती है। देश के लगभग 3.5 करोड़ लोग हवाई यात्रा करने की स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सिंगरौली आने को दिल करता है लेकिन कोरोना ने कदम रोक लिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। हम सभी ने मिलकर सिंगरौली के विकास की योजनाएं बनाई हैं। चौहान ने कहा सिंगरौली को आदर्श स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने इसके साथ ही सिंगरौली में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ करने की बात कही। सीधी सिंगरौली सड़क मार्ग के शीघ्र निर्माण करवाने की बात भी कही है। सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। कभी सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने हमारे साथियों के साथ मिलकर, चाहे हमारे सांसद जी हो, हमारे विधायक साथी गण हो, हम सब ने मिलकर सिंगरौली के विकास की योजनाएं बनाई है और उनको लगातार क्रियान्वित करते हम जा रहे हैं। विकास के लिए जरूरी है कनेक्टिविटी, सड़क जरूरी है। मैं जानता हूं कि एक सड़क सीधी से सिंगरौली कई वर्षों से बन रही है। बीच में गेमन के पास थी, वो छोड़ के भग गई कंपनी, लेकिन मैं आज आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर मैंने कहा सीधी सिंगरौली रोड का क्या हाल है। बहुप्रतीक्षित रोड है, अभी तो तत्काल मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, लेकिन 425 करोड़ रुपए के टेंडर लग गए हैं और फरवरी से इसमें युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ होगा। सिंगरौली सीधी रीवा लाइन, रेलवे लाइन अब विकास को नया आयाम देगी। सिंगरौली का मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से संपर्क और आसान होगा। 200 बिस्तर का अस्पताल भी संचालित हो रहा है, जल्दी मेडिकल कॉलेज भी, उस पर भी हम काम प्रारंभ करेंगे। और इतना सब है तो इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, मेरे विधायक साथी बैठे, चाहे हमारे कुंवर सिंह जी हो, रामलल्लू जी हो, अमर सिंह जी हो, सुभाष वर्मा जी हो, मेरी सांसद बहनों, गौड़ सिंचाई परियोजना जो हमने स्वीकृत की है 825 करोड़ रुपए की लागत की, इससे 33,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। सिंगरौली जिले के किसानों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव इन कार्यों की समय सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करेंगे। सिंगरौली हवाई पट्टी के निर्माण के क्षेत्र के विकास में नए आयाम जुड़ेंगे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि औद्योगिकीकरण, ऊर्जा, कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध सिंगरौली में लोक निर्माण विभाग हवाई पट्टी का निर्माण कार्य कर रहा है। विभिन्न रोगियों को भी उपचार का लाभ दिलवाने में यह हवाई पट्टी उपयोगी सिद्ध होगी। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मंडलोई की उपस्थिति में जनप्रतिनिधि का आभार व्यक्त किया।
संसद सदस्य रीति पाठक सिंगरौली जिले के विधायक गण और नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। इससे बड़ा विषय देखिए नहीं हो सकता। जब वो किसी भी कार्यक्रम में जाकर किसी विषय के लिए लोकार्पण या भूमि पूजन का तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, यहाँ के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि सिंगरौली जिले की जनता को इस एयर स्ट्रिप की सौगात हुई है। कोरोना के इस भीषण संकट के दौरान आर्थिक रूप से अगर हमें व्यवस्था नहीं देते, NCL के को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, APMDC को धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो भी राशि हम उपलब्ध करा सकते हैं उससे भी हम सामूहिक रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसा है कि हम तो तब भी थे, अब भी थे, सिंगरौली के हों, सिंगरौली की जनता की इच्छाओं को पूरा किया। यहाँ के उद्योगपतियों को कनेक्टिविटी न मिलने के कारण ये चाहे NH 39 हो और चाहे रेल मार्ग की बात हो और चाहे बाऊ मार्ग की बात हो, हमने सब में प्रयास किया। हमारे सांसद जी, हमारे जब से केंद्र में BJP की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ आए तो हमें रेल भी मिला, कनेक्टिविटी सारे मिलने जा रहे हैं और अभी ये NH सीधी सिंगरौली जो छोड़ दिया गया मैंने इंडिया ने, उसका टेंडर 425 करोड़ का हो गया है। फरवरी के बाद मार्च से काम इस रोड पर पुनः चालू होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।